अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन नेवर मिस माय लेटेस्ट वीडियोस। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ आई हूँ, मटन स्ट्यू, जो कि अमूमन सभी घरों में बनाया जाता है। आज मेरे तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी मटन स्ट्यू। आप मटन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम मेरे इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले प्याज मैंने ली है मीडियम साइज़ की, सो बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, से भी फाइन चॉप कर लिया है। 3 टोमेटोज़ लिए हैं। हरी मिर्च ली है मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद, इससे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 कप। लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तकरीबन 6 से 8 जवे मैंने लिए थे। अदरक भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करने से बेहतर है आप यहाँ पर इसे इस तरह से चॉप किया हुआ यूज़ करें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार आता है। साबुत लाल मिर्च मैंने ली है 7 से 8 अदद। ज़ीरा लिया है साबुत मैंने 1 टीस्पून। साबुत धनिया मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े मैंने 3 अदद लिए हैं। बड़ी इलायची मैंने ली है 2। लौंग मैंने ली है तकरीबन 7 से 8 अदद। साबुत काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून। दही मैंने लिया है 1 प्याली। मेरी प्याली का साइज़ छोटा है, अगर आप बड़ी प्याली के साइज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 1/2 प्याली लीजिए। इसके अलावा मसाले नोट कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून। भुना कुटा हुआ धनिया मैंने यूज़ किया है यहाँ पर 1 टीस्पून। हल्दी ली है मैंने 1 हल्दी ली है मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून। तेज़पात लिए हैं मैंने 2 अदद। नमक लिया है यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गरम मसाले भी मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप, से फाइन चॉप कर लिया है। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो। मैं मटन स्ट्यू जो बना रही हूँ 1/2 किलो गोश्त का बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो जितनी भी मेरे इंग्रीडियंट्स हैं उन सबकी मेरी बताई हुई क्वान्टिटी को डबल कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। फुल रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्लेम फुल करके प्रेशर कुकर रख दिया और उस पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। सबसे पहले चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ, इसे भूनेंगे। बिल्कुल लाल नहीं करना, सुर्ख नहीं करना, हल्की सी गोल्डन करनी है। जैसे गोल्डन हो जाए इसमें फ़ौरन से गोश्त ऐड कर देना है और गोश्त को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनना है। 1 से 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें हम सारे साबुत खड़े मसाले ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ें, कोई भी मसाले हमें पीसना नहीं पड़ता, ग्राइंड नहीं करना पड़ता, सारे साबुत खड़े मसाले डलते हैं और उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। साबुत लाल मिर्च भी हमने डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है, सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 30 सेकंड तक, 1/2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। भुना कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी। आप
धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पिसा हुआ धनिया, लेकिन अगर आप इस तरह से क्रश किया हुआ, भुना हुआ, यानी कि तवे पे हल्का सा भून के, आप इसको रोस्टेड और क्रश करके उसको हाथ से या बट्टे से उसको मार के इस तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। मसाले की भुनाई करेंगे 1 मिनट तक तेज़ आँच पे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मिक्स हो गया है, अब इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। 1 कप ऐड कर दिया है मैंने। आइए दूसरा कप। 2 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। इसे चमचे की मदद से हल्का सा मिक्स करके कवर अप करके इसकी सीटी लगाकर इसको फुल फ्लेम पर प्रेशर आने तक इसे छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट में इसका प्रेशर आ जाएगा और गोश्त बकरे का कुकर में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लेगा टाइम गलने के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, गोश्त हमारा गल गया है। अब हमें अपने इस मसाले को भूनना है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब तक भुनाई करनी है जब तक साइडों से ये ऑयल ना छोड़ दें, तेल ना छोड़ दें, तेल ऊपर ना जाए, जब तक हमें इसे भूनते रहना है तेज़ आंच पे। मैंने फ्लेम अगेन ऑन कर दी है और फ्लेम जो है फुल कर दी है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर रहे हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पर भूनते रहेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। धनिया जो हमने लिया था हम सारा नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ थोड़ा सा ऐड किया है, बाकी हम डिश आउट करने के बाद गार्निशिंग पे ऐड करेंगे। ये हमारा मटन स्ट्यू तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है, इसका कलर देखिए कितना यम्मी सा टेस्टी सा लग रहा है ये। अब इसे सर्विंग बाउल में डिश आउट करते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा टेस्टी सा मटन स्ट्यू तैयार हो गया है। सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। बीफ में बन के भी अपना अलग सा डिफरेंट सा फ्लेवर देता है। तो दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी दोस्तों को भी, ताकि वो भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इन्जॉय करें यम्मी सा टेस्टी सा मटन स्ट्यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ के साथ आप ज़रूर ट्राई कर सकें, ज़रूर इन्जॉय करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।